जिन लोगों ने मगरब का सफर किया है, वहां जहाज में 12 के बाद 14 नंबर सीट आ जाती है, 13 नंबर सीट ही नहीं होती। ये मनहूस अजर है, यानी आज वो कहीं उड़ाने भर रहे हैं और कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन ये जोफले तकादिया पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद है। तारीखें मखसूस हैं कि इन तारीखों को शादी करोगे तो बरकत होगी, अगर इनके अलावा किसी और तारीख में शादी करोगे तो टूट जाएगी। हमारे यहां भी कुछ लोग कहते हैं कि सफर के महीने में शादी हो तो शादी कामयाब नहीं होती, और अगर कामयाब हो भी जाए तो औलाद नहीं होती, औलाद हो भी जाए तो नेक नहीं होती। अजीब फलसफा है। सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हजरत सैयद नारियल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हो से सफर के महीने में हुई। मुझे बताओ ऐसी कामयाब शादी भी कोई हो सकती है, और ऐसा अच्छा जोड़ा भी कोई हो सकता है? और फिर कहते हैं औलाद नहीं होती, हसन हुसैन और जैनब पैदा हुए। ऐसी औलाद भी हो सकती है? अच्छा औलाद हो जाए तो नेक नहीं होती? मुझे बताओ हुसैन जैसा नेक कौन होगा, हसन जैसा नमाजी कौन होगा, और जैनब जैसी पर्देदार कौन होगी? तो ये लोगों की अपनी ख्वाहिशात हैं, जुबान पे जो कह दिए लोग वही मान गए। मैंने देखा है कि बासकात लोग एक घंटे की तकरीर सुनने के बाद भी फिर भी कहते नहीं नहीं असल हमारे खानदान में वो वाकई मनहूस है, फर्क तो पड़ता है। जब अल्लाह के महबूब ने कह दिया ला तेजारा, कोई मनहूस नहीं है, ना दिनों में मनहूस, ना सातों में मनहूस, ना अफराद में मनहूस, हमारे उल्लू भी मनहूस नहीं है। तुम्हारे अंदर की बुराइयां हैं जो मुजस्म होकर तुम्हारे सामने आती हैं, इसलिए कोई मनहूस नहीं। हमारे वालदैन ने बचपन में ही हमें ये बातें अच्छी तरह से अजबर करवाई और हमारी तरबियत इस तरह की कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ज़ोफ़ले तकादी का शिकार नहीं हुए। तो आप भी अपनी औलादों की अभी से ऐसी तरबियत करें कि उनका तवक्कुल अल्लाह पर हो, उनका तवक्कुल अल्लाह की बाबरकत साथ पे हो, और वो उसी पे भरोसा करने वाले हों। जब उस पे भरोसा करने वाले होंगे तो जिंदगी सौखी गुजरेगी, कभी मुश्किल आ भी जाएगी तो परेशानी नहीं होगी कि देखिए कभी खंदा कभी गिरियां, कभी अल्लाह कुछ अता करता है कभी कुछ अता करता है। वो महमूद गजनवी को बड़े लोग महबूब थे, लेकिन सबसे ज्यादा महबूब अय्यास था। तो एक दिन उसने उसको खरबूजा दिया तो वो चटखारे लेके खा रहा था। बादशाह ने चखा तो वो कड़वा था, कहा अय्यास ये तो कड़वा है, तो कहा कि हजरत हाँ कड़वा है, तो कहा फिर तुम मजे से खा रहे हो, कहा सारी जिंदगी साथ से मीठी नेमते खाई है, आज एक कड़वा मिल गया तो फेंक दू। जब उस पे तवक्कल होगा तो कभी तकलीफ आएगी तो बंदा कहेगा कोई बात नहीं, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावां, तो बंदा कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, ये इस पे भी मैं खुश हूं। तो जब तवक्कल उस पे होगा तो फिर बंदा उस तकलीफ में भी लज्जत लेने का रास्ता निकाल लेगा। और अगर ये हो कि इस मनहूसा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, कचीचियां चढ़ेंगी उसके ऊपर कि इसने ये किया है, मार दूं कत्ल कर दूं, इसको छोड़ू ना जमीन पे, रहने का हक ही छीन लूं इससे कि इस मनहूसा की वजह से या इस मनहूस की वजह से ये हुआ है। कोई किसी की वजह से नहीं होता, ये हमारी अपनी बदअमालियों की सजा है। अगर कोई हमें नुकसान दर नुकसान हो रहा है तो तौबा करें, अपने गुनाहों पर गौर करें, किसी से धोखा तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं दिखाया, जुल्म तो नहीं किया, अपने माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं की, और अगर हमें खैर पहुंच रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें।